देसी खाना कम ज़्यादा सबको ही पसंद है, बट आजकल ऐसे टाइम नहीं मिलता है छोटी छोटी चीज़ पुराना खाना बनाने के लिए। तो आज मैं पूरा देसी खाना बना के दिखाऊंगी, और ये खाना बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है एंड अच्छा भी है। खास करके जो कद्दू का पत्ता है, मच्छी भरता, तो आज मैंने पूरा एकदम मेरे ही गांव का खाना बनाऊंगी। सो देखिएगा गाइस, मैं पहला जो कच्चू का पत्ता है पूरा अच्छे से काट कर लिया, क्लीन पहला से क्लीन करके देखा था उसका अंदर कुछ है क्या नहीं, ठीक है करके काट करके देखे ऐसे लंबा लंबा काट कर, क्योंकि ये पूरा एकदम ही हो जाए। तो कच्चू का पत्ता काटना हो गया, चलिए अब देखते हैं राइस हुआ क्या नहीं है। तो राइस मेरा हो गया है, अब मैं राइस के अंदर जो पानी रहता है वो मैं निकाल देती हूँ, रखती नहीं हूँ। सो से पकड़ के थोड़ा सा मतलब उल्टा करके रखने से निकल जाता है पानी, क्योंकि राइस का पानी वाला है ना वो मुझे इतना पसंद नहीं, इसलिए मैं पानी फेंक देती हूँ। तो अभी मेन रेसिपी बन रही है, तो देखिए कुकर में दाल बन सीटी हो रहा है, एंड मैं कच्चू का पत्ता अच्छे से पहले 2-3 बार धो लिया, एंड फिर लास्ट बार धो के दे रही हूँ। देख सकते पानी एकदम क्लीन है, मैं 3-4 बार पहले से धो के या और मैं कच्चू का पत्ते के अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इससे जो मैं डायरेक्ट पानी है ना दाल भी हो चुका है, तो मैं इसलिए साइड करके रख दे। थोड़ा सा कच्चा मिर्ची है 5-6, एंड सॉल्ट देके उसको ढक्कन लगा के 10 मिनट में हाई फ्लेम में पकाएंगे। एंड कच्चू का पत्ता तो पक रहा है मेरा, उबल रहा है। अब मैं थोड़ा सा ऑनियन वगैरह क्लीन कर लेंगे, लहसुन जो कुछ भी चाहिए, क्योंकि आज लहसुन ऑनियन ज़्यादा चाहिए। तो देख सकते गाइस मैं 10-15 मिनट के बाद आई हूँ, आके देख सकते कितना पानी आया, मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, अपना पानी निकाल रहा है। सो अब मैं फिर से ढक्कन लगा के रख देंगे, अब देखते हैं दाल कुक हुआ है क्या नहीं है। दाल मेरा कुक हो चुका है, तो उसका अभी तड़का देने के बारे, तो दाल तड़का आज नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि छोटा बड़ा में बहुत रेसिपी में दिखाई। तो देखिए दाल तड़का मेरा हो गया है सब कुछ, एंड कच्चू का जो पत्ता है वो भी उबल चुका है, देख सकते हैं कितना अच्छा से एकदम उबल गया है। इसको अब हम लोग तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए जिसमें मैं बनाऊंगी इलिश मच्छी मुंडी से कच्चू का पत्ता, तो फ्राई करने के लिए दे दिया नमक आने हल्दी दे के, देने के बाद अब उसको लिए जो हम लोग चाहिए ऑनियन वगैरह, तो फिर से थोड़ा सा आगे उल्टा पलटा करने के लिए स्लो फ्लेम में पकाने का है, फ्राई करने का। तो उसके लिए चाहिए ढेर सारा आपका ऑनियन एंड लहसुन, कच्चू का पत्ता में जितना लहसुन देगा उतना टेस्ट होगा। तो एक साइड में मेरा मुंडी जो है ना वो फ्राई हो रहा है इलिश मच्छी का मुंडी, एंड दूसरी साइड में जीरा लहसुन एंड आपका ऑनियन फ्राई हो रहा है। तो ऐसे ही फ्राई हो चुका है मुंडी, ऐसे ऐसे करके तोड़ लेने का, क्योंकि हम लोग सॉल्ट एंड कच्चा मिर्ची डाल दिया था उबालने के टाइम। आप हल्का सा आपको क्या बोलते हैं आई थिंक हल्दी हल्दी पाउडर दे के अच्छे से मिक्स कर देने का, और जितना टुकड़ा करने का है हम लोग मच्छी के मुंडी को टुकड़ा कर दे अच्छा से उसको मिक्स करने का। मिक्स जितना करेगा उतना मसाला अंदर जाएगा, सब कुछ अच्छा से मिक्स करते रहने का गैस। मिक्स करने से सब कुछ जो मसाला वगैरह अच्छा से पेस्ट होगा, देखिए अच्छा से पेस्ट हो गया है, ऐसे ही मुझे चाहिए। तो मेरा कच्चू का पत्ता एकदम इजी रेसिपी गैस, आजकल बहुत लोगों ने सब रेसिपी खाता नहीं, बट ये बॉडी के लिए आँख के लिए बहुत ही अच्छा, जिसका आँख में प्रॉब्लम है खून का प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छा है रेसिपी। सो कच्चू का मेरा हो चुका है, अब मैं इलिश मच्छी का जो लेजा बोलता है तो कुछ इसको मैं बनाऊंगी भरता के लिए। पहले अच्छे से हल्दी और नमक लेके फ्राई कर, तो भरता के लिए सरसों का तेल हम लोग यूज़ करते हैं। तो सरसों का तेल देखिए बड़ा सा एक लेजा फ्राई करने के लिए, एक साइड में दिया, दूसरी साइड में 2 लहसुन 3 मिर्ची एंड ढेर सारा ऑनियन फ्राई के लिए डाल देंगे। दोनों साइड से मेरा दोनों रेसिपी बन जाएगा, एक एक साइड से मैं देखिए फिश भी फ्राई हो चुका है, एंड जो मसाला है उसका मेन वो भी फ्राई हो रहा है। तो मुझे बार बार दो चीज़ दो साइड में करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, एक एक चीज़ से हो जाएगा। अब फिश मेरा फ्राई हो चुका है, उसका अंदर क्लीन करना सबसे जो हार्ड काम है गाइस, ये जो इसका अंदर बहुत सारा काटा रहता है, क्योंकि भरता उनका इसका काटा है ना अच्छा से देखना पड़ता है काटा है क्या नहीं है, तो ये थोड़ा सा अच्छा से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांटा मुंह में ना अटक गया तो बहुत मुश्किल है। तो देख सकते हैं अच्छा से मेरा फिश फ्राई हो चुका है, अब जो मैं फिश है ना उसको अच्छा से फिश के अंदर जो काटा है छोटा छोटा, क्योंकि इलिश मछली बहुत बारीक बारीक काटा रहता है, वो अच्छे से संभाल के देखना पड़ा, देख सकते कितना बड़ा बड़ा काटा है।
एक काटा सब लोग क्लीन नहीं कर पाते गाइस, तो देखिए कितना काटा है। एंड मेरा ऑलमोस्ट काटा क्लीन हो चुका है, मच्छी का अंदर से देखा है कितना सारा काटा निकला। ऐसे काटा का सोचे मुंह का अंदर चिपक दे कैसे लगेगा। तो मेरा सब रेडी हो चुका है। एंड देसी खाना खाने का कुछ मजा ही और है गाइस, इसमें क्या थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो धनिया पत्ता देना था, भूल गई थी मैं काटने के लिए, तो थोड़ा धनिया पत्ता भी दूंगी मच्छी के अंदर। जो फ्राई हुआ लहसुन मिर्ची एंड ऑनियन वो भी ऐड करके, अब अच्छा देखिए लहसुन भी अच्छा से ये हो गया, कुक हो चुका है। सबको अच्छा से हाथ से मसल के मैं मच्छी के साथ में अच्छा से मिला लेने का। एंड ये जो भरता है गाइस, इससे आप पूरा एक प्लेट ही खाना खा सकते हो, राइस खा सकते हो, बहुत ही यम्मी बना था। एंड ये सर भी नहीं, जिनको पता है इंग्लिश मच्छी का लेजा भरता कैसे है, बहुत टेस्टी एंड यम्मी, कलर देख के तो लग रहा है गाइस कितना यम्मी बना है। सो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यम्मी रेसिपी। तो हो गया मेरा भरता एंड यही था आज मेरा रेसिपी। आज दोपहर को मेरा यही खाना था। तो देखिए लास्ट में मैं दिखा देती हूँ, दाल बनाई थी कच्चू का, वो नीली मिर्च मच्छी का जो भरता, वो सब कुछ रेडी हो चुका है। एंड प्लेट सजाने का बाद रही है, थोड़ा सा एक बाउल राइस, नींबू, कच्चू का जो पत्ता इंग्लिश मच्छी मुंडी से बनाई थी भरता, एंड दाल। यही था आज का रेसिपी गाइस। तो कैसे लगा आज का मेनू कमेंट में बताइएगा। एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।